आफतकाल लाने वाले भाजपा के लोग कितने खतरनाक हैं, अब देश समझ चुका है और सभी लोग एक हो करके इनको हटाने के लिए तैयार हैं। लालू प्रसाद जी भी कभी उग्रवाद में नहीं गए, बल्कि उस समय जो उग्रवाद चल रहा था सबको धीरे धीरे बात से शांत किया। ये देश में पहला उदाहरण है। आदिवासी कौन है नहीं है, कोर्ट का कोई आदेश हो गया, सरकार तो ऊपर अपील में नहीं गई और उसको वहाँ की सरकार ने लागू कर दिया था, जो उस सरकार के विचार से हुआ था। शंखनाद ही है ये, और शंखनाद तो बिहार में होता ही है। आज़ादी की लड़ाई का शंखनाद चंपारण से हुआ था, नीलों के खिलाफ आंदोलन, और देश में उनको हटाने का आंदोलन बन गया, आज़ाद हुआ भारत। लेकिन आज़ाद भारत के जितने मूल्य थे आज खत्म हो रहे हैं। फिर एक गांधी के देश को गांधी के विचारों के अनुसार चले, ये काम करना है, खोलो। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हैं और राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हमारे साथ। 23 तारीख को गैर भाजपा दलों के विपक्षी दलों की जो बैठक है पटना में, इसे लेकर के काफी दिनों से राजनीति पारा चढ़ा हुआ है। क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं जानेंगे सर। क्या कुछ तैयारियां हैं 23 को लेकर के सर? अब 23 को लोग आएंगे, विषय एक है कि दंगाइयों उन्मादियों से कैसे देश को मुक्त किया जाए, और जितने लोग निमंत्रित थे प्रायः सभी लोग आ रहे हैं। अब इसी पर मैं भाजपा का इधर बयान देख रहा हूँ, पहले कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, अब जो आने को हो गया तो अलग घबराहट हो गए, तो दूल्हा बाराती की बात करने लगेगा। ख्याल करते जाओ, देश की जनता और प्रदेश के लोग मिलकर भारत का संचालन कौन करेगा, और दंगाइयों से उन्मादियों से देश को खंडित करने वालों से देश को कैसे बचाया जाए, ये विषय है। 23 तारीख को लेकर के लगातार सर विपक्ष आप भी कह रहा था कि सफल नहीं हो पाएगा। वैसे में राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम जो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं सभी लोग आ रहे हैं, ये घबराए हुए हैं। पहले इनका था कि बैठक नहीं होगी जी, बैठक हुई तो पटना में नहीं होगी, बैठक होगी तो ये नेता नहीं आएंगे। आज कोई भी उनकी कही हुई बात जनता के सामने साबित नहीं हो पाई। बिहार लोग आ रहे हैं, बिहार के सभी हम लोग के प्रगतिशील लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, और देश को बचाने वाले जो भी कल नेतृत्व करता होगा उसके साथ ये बिहार चलेगा। 12 तारीख को जो सर पहले डेट था कैंसिल हुआ, उसके बाद 23 तारीख को हुआ, मतलब बीजेपी को काफ़ी खुशी हुई जब 12 तारीख को कैंसिल हो गया, लेकिन 23 तारीख के बाद अब लग रहा है कि विपक्षी एकता पूरी तरह से संभव हो पाएगी। देखिए, कई लोगों को आने पर सबों की सुविधा देखनी पड़ती है जी, राज्य की देखो राज्य की समस्या, सभी किसी न किसी राज्य में मुख्यमंत्री हों समस्या को झेल रहे हैं भाजपा के चलते जी। कहीं दंगा, कहीं फसाद, कहीं कुछ, मणिपुर, ये एक भी सलूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। पहली मर्तबा हम लोग देख रहे हैं कि भारत के नागरिक कोई भारत से अलग होने के लिए नहीं, बल्कि केवल इतना ही कि जो अधिकार जिन्हें मिला था उस अधिकार में अन्य लोगों को हिस्सेदार बनाया गया, हो सकता है सही हो गलत हो, तो जब हिस्सेदार बनाओगे तो फिर संख्या भी बढ़ाओगे, प्रतिशत भी बढ़ाओगे, सारी चीज़ को करोगे, हर चीज़ में दोगे। लेकिन आदिवासी कौन है नहीं है, कोर्ट का कोई आदेश हो गया, सरकार तो ऊपर अपील में नहीं गई और उसको वहाँ की सरकार ने लागू कर दिया था, जो उस सरकार के विचार से हुआ था, तो ग्रीवांसेस को दूर करोगे ना। वहाँ पर तो एक घर जलाए जा रहे हैं, कोई न कोई किसी को मार काट रहा है, मंत्री जो हैं उनके घर जला दिए गए जी। इतनी बड़ी असफलता भारत में कभी भी देखने को नहीं मिली थी कि केंद्र सरकार इस तरह से असफल रही हो। केवल इनको अधिकार चाहिए दिल्ली में बैठने वालों को, देश में शांति व्यवस्था नहीं कर सकते। कारण इन्होंने वर्षों से जो उन्माद फैलाया है, अब उन्माद जो भारतीयों का अवगुण नहीं था, ये महात्मा बुद्ध का देश, ये गांधी का देश,
लोहिया जी जैसे प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले भी कभी उग्रवाद में नहीं गए, लालू प्रसाद जी भी कभी उग्रवाद में नहीं गए, बल्कि उस समय जो उग्रवाद चल रहा था सबको धीरे धीरे बात से शांत किया। ये देश में पहला उदाहरण है कि जो गुजरात मॉडल के नाम पर ये देश की बनावट इन लोगों ने बनाया, देश आज खतरे पे पड़ गया है। कभी भी कोई हुकूमत उन्मादी नहीं बनाती है, समस्याओं का हल करती है। सबसे बड़ी चीज़ ये समस्या पैदा कर रहे हैं, समस्या हल करने के लिए इनके पास कोई नीति नहीं है। इसलिए जितना जल्दी ये मुक्त कर दें भारत, और भारत आफतकाल में फंस चुका है, इस आफतकाल से कैसे निजात मिले देश की जनता को, इसी पर विचार करने के लिए देश के सभी प्रमुख नेतृत्व के लोग यहाँ आ रहे हैं। सर, बीजेपी नेताओं का कहना है कि चूंकि मुख्यमंत्री जी लगातार सब जगह घूम रहे हैं, इसलिए जो भी नेता आएंगे बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा ये सब का आनंद लेंगे और लौट के जाएंगे। चूंकि विपक्षी नेताओं का जुटान जो है वो जिंदा मेंढक को तोलने के समान है, ऐसा एनडीए के नेताओं का कहना है। किसी दिन विपक्ष यदि एक साथ नहीं तोला गया होता तो गुजरात में वो दिन नहीं आया होता जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनते और इसी जयप्रकाश जी के आंदोलन बिहार के अगुवाई पर, वहाँ तो खत्म हो चुका था छात्र आंदोलन, लेकिन वहाँ के छात्रों ने आकर के जयप्रकाश जी का नेतृत्व स्वीकारा और उनको निमंत्रित किया। आज फिर उसी तरह बिहार उठ खड़ा हुआ है। ये बिहार देश को नया नेतृत्व देगा, और भूलना नहीं चाहिए 77 के चुनाव में कोई भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं था, भारत की जनता को कष्ट से निजात दिलाने के लिए लोग एक हुआ था। इसलिए आफतकाल लाने वाले भाजपा के लोग कितने खतरनाक हैं, अब देश समझ चुका है और सभी लोग एक होकर के इनको हटाने के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इनवाइट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने वाले थे, स्वास्थ्य कारणों से कल नहीं गए, हालांकि तेजस्वी यादव गए, क्या उनका कन्फर्मेशन हो गया? ये कोई विषय है, वो आ रहे हैं, उनके मन में यदि दुख तकलीफ होता तो नहीं आते, लेकिन भूलो मत उन्होंने तेजस्वी जी को भेजा था और सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ सारी चीज़ों को तय किया है। इसलिए घबराने की इनको जरूरत नहीं है। घबरा इसलिए नहीं रहे हैं कि नीतीश जी नहीं गए, घबरा इसलिए रहे हैं कि सभी लोग आ रहे हैं। इसे भाजपा हर मोर्चे पर विफल होती जा रही है, भाजपा का कुप्रचार हर जगह कुप्रचार साबित होता जा रहा है, इसलिए ये लोग घबराए मत। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि 23 तारीख को जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं का जुटान हो रहा है, क्या उस दिन से भाजपा मुक्त भारत का शंखनाद होगा? शंखनाद ही है ये, और शंखनाद तो बिहार में होता ही है। आज़ादी की लड़ाई का शंखनाद चंपारण से हुआ था जी, नीलों के खिलाफ आंदोलन, और देश में उनको हटाने का आंदोलन बन गया, आज़ाद हुआ भारत। लेकिन आज़ाद भारत के जितने मूल्य थे आज खत्म हो रहे हैं। फिर एक गांधी के देश को गांधी के विचारों के अनुसार चले ये काम करना है। खोलो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, बुद्ध का चक्र, इसको भी समाप्त करने का यह प्रयास हो रहा है, तो समझो देश किस खतरे में पड़ चुका है। इसलिए इनको घबराए मत, भारत की जनता 130 करोड़ को हटाने के लिए तैयार है और बिहार इसकी अगुवाई कर रहा है, यहाँ का जन जन इस पूरे बैठक के साथ है, इसलिए इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2024 में असर नज़र आएगा। 224 में तो हट ही जाएंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी कुछ कभी कभी चर्चा होती है कि चुनाव बीच में हो जाएगा, लेकिन इंडिया साइनिंग के वक्त भी इनका विदाई हुआ था। इस बार भी यदि पहले करेंगे चाहे बाद में करें, तिथि पर करें, जब करें, क्या आपातकाल में पार्लियामेंट का अवधि बढ़ा देने की चलते कांग्रेस बची क्या? ख्याल कर लो, इंडिया साइनिंग के वक्त पहले चुनाव करा देने से क्या वाजपेयी की सरकार बची क्या? इसलिए षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र जब देश की जनता समझ जाती है तो आगे और पीछे का चुनाव 24 में ये कोई प्रश्न नहीं उठता। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। इनका साफ तौर पर दावा है कि विपक्ष की एकता से बीजेपी घबराई हुई है और 23 तारीख को जो यहां पर बैठक होने वाली है उसको लेकर के शंखनाद होगा, 2024 में बीजेपी मुक्त भारत होगा। जगदानंद सिंह के दावे में क्या सच्चाई तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें भारत लाइव के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।